पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार सातवें दिन भी जारी है शिक्षकों की हड़ताल, विद्यालयों की हो रही प्रभावित पढ़ाई। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ लांजी ने पुरानी पेंशन बहाली जैसी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार 7 दिन से जारी है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन के निर्देश एवं जिला अध्यापक शिक्षक संघ बालाघाट के मार्गदर्शन में जनपद शिक्षा केंद्र लांजी के अंतर्गत आने वाले आजाद अध्यापक शिक्षक संघ लांजी के अध्यापकों द्वारा अपनी विभिन्न लंबित मांगों जैसे पुरानी पेंशन बहाली, लंबित शिक्षकों को क्रमोन्नति एवं पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति के सरलीकरण, केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं वियतनाम में 2006 वालों की वेतन विसंगति दूर करने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया गया है। क्योंकि ये लड़ाई अकेले की नहीं है, ये पुरानी पेंशन बहाली को लेके जो अभियान छेड़े हैं आप लोगों ने, तो ये कौन सा दिन है आज उसका? मैं चंद्रभूषण चौहान, जिला उपाध्यक्ष आजाद अध्यापक शिक्षक संघ लांजी। आज हमारे हड़ताल का 7वां दिन है। हम 13 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। जो हमारी मुख्य मांगे हैं, पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति, जो क्रमोन्नति हमको 12 साल में मिलती है वो अब तक नहीं मिला है। जैसे जो कर्मचारी 2006 में लगा है, 7 में लगा है, 8 में, 9 में, इनको 12 साल की अवधि होने में 3-3 साल हो चुके हैं और प्रशासन अभी तक के हमारा कर्मोन्नति का आदेश रिलीज नहीं कर रहा है। तीसरी मांग हमारी है, जो हमारे आदेश में सविलियन किया गया था वो 1/7/2018 है, तो 2018 से हमको अब हमारी जो वरिष्ठता है वो गिनी जा रही है, तो हम हमारी नौकरी को भी 4 से 5 साल हो गया। जब तक कि हम लोग 98 में ज्वाइन कर रहे हैं या 2005 में ज्वाइन कर रहे हैं, वो तब तक की सेवा हमारी पूरी शून्य हो गई है। हमारी अनुकंपा की मांग है, जो हमारे जो साथी ये डेथ हो गई है उनको परिवार को सरलता से अनुकंपा मिल जाना चाहिए, मगर शासन ने उसमें भी बाध्यता रखी है कि वो पात्रता परीक्षा पास हो, वह डीएड बीएड हो, जबकि ऐसा नहीं होता। अनुकंपा का होता है कि उस परिवार पे एक निराश्रित परिवार को उसकी पढ़ाई के अनुसार से नौकरी मिलना चाहिए। और 5वीं मांग जो हमारी है, जो गुरुजियों की वरिष्ठता सम्मान वो है, उनको उनकी ज्वाइनिंग डेट से उनको वरिष्ठता मिलनी चाहिए। और इन सभी मांगों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश के ब्लॉक से लेकर जिला, जिला से लेकर संभाग और राजधानी स्तर तक के हमारे भरत पटेल के आह्वान पर ये हर जिलों में हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। जैसा कि सर ये 7वां दिन है आपके अभियान हड़ताल का, तो शासन की ओर से कुछ ऐसा अभी हमारे को पूरे संगठनों का समर्थन मिल चुका है, जितने भी संगठन है उनको, संगठन वालों ने पूरा, दूसरे संगठनों ने भी हमको समर्थन दिया है। अभी आज शायद हमको ऊपर से निर्देश मिले कि आज कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक के बाद में शायद शाम को हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी उनकी बैठक होने की ऐसी चर्चा चल रही, मगर अभी वो पूर्ण सत्य है या नहीं ये नहीं कह सकते, मगर 1-2 दिन में हो सकता है कि गवर्नमेंट हमारे अध्यक्ष को बात के लिए बुलाएंगे। यानी जब तक कि आपकी संपूर्ण मांगे पूरी नहीं होती आप हड़ताल आपका जारी? नहीं, ये तो अनवरत चलता रही, जब तक कि हमारे जो जितनी भी मांगे हैं उस पे चर्चा नहीं होगी, उसकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक कि हमारी अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो चलती रहेगी। धन्यवाद।